तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल मोबाइल फोन की। कुछ अलग है, यूनिक है, कुछ लेटेस्ट है, कुछ स्पेशल है। तो मैं बता दूं, सबसे बड़ी बैटरी के साथ जो मोबाइल फोन मिलने वाला है वो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो मोबाइल फोन है डुग्गी ब्रांड का। काफी यूनिक है, काफी लेटेस्ट है। तो मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में ही काफी यूनिक चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बैटरी बैकअप है इसमें। मैं बता दूं, इसमें 8500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बैटरी दी गई है। सैमसंग के मोबाइल फोन्स में आती है 7000 mAh तक की बैटरी, लेकिन 8500 mAh की बैटरी है। काफी बड़ी बैटरी दी गई है, 8500 mAh की बैटरी है, जो कि काफी यूनिक है। और बैटरी बैकअप इसका 2 दिन का है। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो आप 2 दिन यूज कर सकते हैं, अगर आप कम यूज करते हैं तो आप इसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। 2.5 से 3 दिन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा इसमें बैटरी बैकअप दिया गया है और भी काफी फीचर्स है जो यूनिक है और काफी लेटेस्ट है और अच्छे दिए गए हैं फीचर्स। बात करते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की। तो मीडिया टेक हेलियो G95 प्रोसेसर दिया गया है, 8GB के साथ आपको ये मिलने वाला मोबाइल फोन है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। उसके बाद रैम भी काफी अच्छी दी गई है, 8GB रैम है, काफी ज्यादा है अपने आप में। 8GB रैम काफी होती है, इनफ होती है, कोई कम नहीं होती है आज के दिन। तो ये काफी अच्छे आपको रैम दी गई है, प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है। और बात करें इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी काफी अच्छी दी गई है, काफी बड़ा साइज दिया गया है, 6.39 इंच की डिस्प्ले दी गई है। IPS LED दी गई है, काफी अच्छी है। और बात करें इसकी लुक की, तो डिस्प्ले में बेजल इश विद पंच होल डिस्प्ले दी गई है, जो कि काफी अच्छी है, जो कि सभी मोबाइल फोन में आजकल आती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके रियर कैमरा सेटअप की। तो काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। और बात करें इसके क्वाड कैमरा सेटअप की, तो काफी अच्छा इसमें कैमरा सेटअप दिया गया है। 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है और काफी अच्छी इसकी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो बात करें इसकी सेकेंडरी कैमरा की, तो 8 MP का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद 2 MP का प्लस 2 MP का कैमरा दिया गया है। 4 कैमरे दिए गए हैं, काफी अच्छे कैमरे दिए गए हैं, काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा सेटअप की, तो काफी अच्छा फ्रंट कैमरा दिया गया है। 16 MP का कैमरा दिया गया है, वाइड एंगल लेंस के साथ दिया गया है, 16 MP का कैमरा है। काफी अच्छी आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हैं, अगर आपको बाहर वगैरह जाना है तो काफी अच्छे आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा दिया गया है। अगर आपको 3-4 दिन का टूर पे जा रहे हैं तो आपको एक ही बार चार्ज करने की जरूरत होती है। अगर आप 2 दिन के टूर पे जा रहे हैं तो घर से चार्ज करके जाओगे तो वापस आ जाओगे तो फोन आपका चार्ज ही मिलेगा, आपको शटडाउन नहीं होगा, आपकी बैटरी लो नहीं होने वाली है। तो बात करते हैं इसकी बैटरी, तो 8500 mAh की इसमें बैटरी दी गई है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। मैंने जैसे अभी बताया ही है कि आप अगर 2 दिन के लिए बाहर जाते हो तो आप इसको घर से चार्ज करके जाओ, चार्जर आपको साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छी बैटरी बैकअप है, काफी अच्छी बैटरी है। और मैं बता दूं, अगर आप ज्यादा बार टूर वगैरह का काम होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा, आपको बार बार चार्जिंग की पावर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो 128GB दी गई है। और बात करें इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी की, तो 256GB तक आप माइक्रो SD कार्ड का अगर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। तो बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की, तो ये कब लॉन्च होने वाला है, तो मैं बता दूं 16 दिसंबर 2021 में ये लॉन्च होने वाला है। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि अभी बहुत नजदीक ये 2021 में ही लॉन्च होने वाला है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो 24,000 रुपये में आपको ये देखने को मिलने वाला है मोबाइल फोन। काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, काफी यूनिक फीचर्स है इसमें और काफी अच्छे इसमें बैटरी बैकअप दिया गया है और काफी अच्छे कैमरा सेटअप भी दिया गया है। और भी अदर फीचर्स आपके देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये फोन बाय करने वाले हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।